महोबा में भारतीय हलधर किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वही किसानों ने ज्ञापन के जरिए मुआवजा, खाद, अन्न प्रथा सहित स्थानीय समस्याओं के निदान की मांग की है। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए प्रीमियम जमा किए, लेकिन इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। फसलों के बर्बाद होने के बाद बीमा राशि दिए जाने को लेकर कंपनी द्वारा परेशान किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि जिले के लगभग 1.5 लाख किसानों को बीमा राशि दिए जाने में जानबूझकर कंपनी देरी कर रही है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही के चलते किसानों के खेत तक सिंचाई के लिए पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा किसान अन्न जानवरों की समस्याओं से भी परेशान है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमा कराया था, उन्हें बीमा लाभ पहुँचाने के लिए कार्रवाई चल रही है और बीमा कंपनी ने जिन किसानों के दावों को खारिज किया है उसकी भी जांच कराई जाएगी। आज का ज्ञापन राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार 10 बिंदुओं का था, जिसमें 4 बिंदु हमारे क्षेत्रीय भी हैं। उसी के तारतम्य में यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना है और हर जनपद में किसान संगठन के द्वारा जा रहा है। जैसे कि मैं भारतीय हलधर किसान यूनियन से युवा जिला अध्यक्ष हूँ, ये तमाम हमारे कार्यकर्ता हूँ, किसान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो बीमा योजना है उसके तहत जो किसानों ने बीमा कराया था और जो फसल में नुकसान हुआ, उस परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई चल रही है। आज के ज्ञापन में बताया गया कि कुछ चीज़ों को, उनके जो दावे थे उनको खारिज किया गया है। कैसे खारिज किया गया है, इसके संबंध में हम मीटिंग बुला के इसको आवश्यक